Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार स्टूडेंट्स आपके लिए आज जो ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है इसमें हम आज बात करेंगे जो फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की यानी मनोविज्ञान की जो मूलभूत जो फंडामेंटल जो प्रोसेसेस हैं जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझने का हम प्रयास करेंगे अपने इस कोर्स में और उसी के तहत ये पहला लेक्चर है जो आज हम आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं और इस लेक्चर का टाइटल है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी की कुछ मूल बातें जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि कैसे साइकोलॉजी एक विषय जो है उसकी परिभाषा क्या है उसमें हम क्या क्या चीज़ें अध्ययन करते हैं और उसका एक जर्नी उसका जो एक विकास यात्रा है जिसमें तमाम उसके रिसर्चर्स ने उसको किस तरह से आगे बढ़ाया उन्होंने क्या क्या योगदान दिया इन सभी पे हम विस्तार से बात करेंगे इस अपने लेक्चर में और उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में मनोविज्ञान किस दिशा में जा रहा है और मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है उसके किस किस तरह का अप्रोच हम उसमें रखते हैं तो ये समझने का भी हम आज प्रयास करेंगे अपने इस लेक्चर के द्वारा तो जो पहला सबसे मूलभूत जो प्रश्न किसी के भी दिमाग में आता है मनोविज्ञान शब्द जब वो सुनते हैं या जब उससे उनका पाला पड़ता है तो उनके दिमाग में ये ज़रूर आता है कि मनोविज्ञान क्या है और बहुत सारे लोगों में इसको लेकर के तमाम तरह की कुछ भ्रांतियाँ भी रहती हैं जब उनके पास इसका पूर्ण या तो आप कह लीजिए कि ज्ञान न हो या उस उन्होंने इसके बारे में किसी से ना पढ़ा हो न सुना हो तो थोड़ा सा एक वहाँ पर एक उनके अंदर कौतूहल रहता है कि ये विषय क्या है इसमें क्या चीज़ें की जाती हैं और ये किस तरह से इस इसका जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले जब हम इस तरह की बात जब आती है सामने तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम मनोविज्ञान विषय की एक ऐसी परिभाषा एक अपने लिए हम तैयार करें जिससे कि हम खुद ये समझ पाएं और किसी को यदि समझाना भी पड़े तो हम उसको ये बता सकें कि मनोविज्ञान विषय की जो परिभाषा है यानी विषय वस्तु जो है वो क्या है तो मनोविज्ञान की जब परिभाषा की बात की जाती है तो तमाम जो रिसर्चर्स और आज तक जितने भी स्कॉलर इस फील्ड में हुए उन्होंने इसको कई बार कई तरीके से अपने अपने तरीक़ों से इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया है लेकिन ये देखा गया कि उन परिभाषाओं का रूप समय समय पर बदलता गया जैसा जैसा उसमें सुधार हुए जैसे जैसे नई खोजें हुई तो कई सारे उसमें अनुभवों का उसमें फिर समग्र उसमें आते हुए वो परिभाषा का एक नया रूप मिला तो उस बात उस बात को जब हम देखते हैं तो आज के समय में मनोविज्ञान की परिभाषा में तीन महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं या बिंदु हैं जिनको यदि हम समझ पाए तो हम मनोविज्ञान की परिभाषा को आसानी से बता सकते हैं उसमें जो पहला है वो ये होता है कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें हम मानव व्यवहार तथा मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं अब यहाँ पर जो तीन प्रमुख बिंदु हैं जिनको हम अपनी इस परिभाषा में समझना चाहेंगे क्योंकि ये तीन बिंदु से ही मिलकर ये परिभाषा बन रही है तो पहला जो है वो है वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि मनोविज्ञान एक सामान्य अध्ययन ना हो करके या एक जस्ट कॉमन सेंस ना हो करके या सिर्फ सुनी सुनाई बातें ना हो करके पूर्ण रूप से एक ये प्रयास करता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार हो तो वैज्ञानिक आधार के नाते जब हम कुछ कहते हैं तब हम उसको मनोविज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और दूसरी बात हम वैज्ञानिक विधि के या वैज्ञानिक आधार पर किन बातों का मूल्यांकन करते हैं या किन बातों का अध्ययन करते हैं तो वो दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उसमें एक है मानव व्यवहार यानी कि मनुष्य अपने जीवन काल में अपने पूरे समाज में अपने साथ और अकेले में हर एक प्रकार से जितने भी व्यवहार करता है जितने भी चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हों या चाहे वो कई बार जब हमारे कॉम्युनेटिव प्रोसेसेस होते हैं जिनकी बात है मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हमारे एक्सपीरियंसेस जिसमें हमारी मेमोरी लर्निंग रीजनिंग थिंकिंग इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी जो प्रक्रियाएँ हैं इनका अध्ययन मनोविज्ञान में जो होता है तो यानी कि समग्र रूप से एक परिभाषा की जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के तो उस परिभाषा को कहते हैं या उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें हम मानव व्यवहार तथा मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आपके लिए ये यहाँ पर हमने कोशिश की कि मनोविज्ञान की परिभाषा की एक बेहतर समझ आपको मिले इसके बाद अब हम अगली चर्चा को अपना बढ़ाते हुए इस तरफ बढ़ेंगे कि मनोविज्ञान विषय की जो उत्पत्ति हुई जो उद्भव हुआ उसकी जो यात्रा रही उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा किस किस तरह से इसकी यात्रा आगे बढ़ी तो इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का अपने इस आगे के बातचीत में जो अगला हमारा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि किस प्रकार मनोविज्ञान के उद्भव में शुरुआती दौर में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी और शारीरिक विज्ञान जो है शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी का क्या योगदान रहा तो इसको समझते हुए हम लोग ये अगर देखें तो शुरुआती दौर में कुछ फिजियोलॉजिस्ट जो जिन्होंने शुरुआती दौर में इस पर काम किया उसमें उन्होंने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिनका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और उनका नाम है हरमन हेलहोल्ड्स और हरमन हेलहोल्ड्स ने एक ऐसा प्रयास किया जिसमें उन्होंने आइज और ईयर्स यानी आँख और कान के द्वारा जो प्रत्यक्षीकरण का जो सेंसेशन का जो फिनोमिनन है उसको स्टडी किया उन्होंने साइंटिफिकली तो ये इस तरह का जो प्रयास था इस प्रयास ने आगे चल करके एक दिशा बनाई जिससे मनोविज्ञान को भी अपने अध्ययन में और अपना विषय वस्तु तय करने में बहुत आसानी हुई इसके अलावा एक गुस्ताव फैक्नर करके एक और वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपने अपनी स्टडीज में उन्होंने परसेप्शन ऑफ फिजिकल स्टूमुलस यानी कि जो फिजिकल स्टूमलस हमारे जो उद्दीपक हैं जो जो भौतिक रूप से जो प्रस्तुत हैं हमारे सामने उनका हम प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से करते हैं उस प्रक्रिया का उन्होंने अध्ययन किया और इस पूरे प्रक्रिया के अध्ययन में उन्होंने भी साइंटिफिक विधियों का इस्तेमाल किया वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जिसके बाद हम ये जो आज हम जो दिशा में जिस दिशा में मनोविज्ञान बढ़ता है तो वो कुछ हद तक हम उसको मान सकते हैं या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन सभी विद्वानों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा इसके अलावा एक फ्रेंच फिलॉसफर थे डेकार्ट करके उन्होंने इस तरह की एक फिलोसफी अपनी बताई जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिनियल ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा हमारे शरीर के जो माइंड और बॉडी इंटरेक्शन होता है और उसके बाद हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो ये इस तरह का ड्यूएलिज्म का भी उन्होंने एक सिद्धांत वहाँ पर प्रस्तुत किया था जो एक फिलोसोफर मशहूर फिलोसोफर फ्रेंच फिलोसोफर थे तो इस प्रकार के भी योगदान रहे हैं मनोविज्ञान के इस उद्भव की यात्रा में और इसके अलावा आप ये पाएंगे कि एक और जो तरीका था जिसमें कि ये पाया गया कि हम जब केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं यानी ध्यानपूर्वक हम चीज़ों का जब प्रेक्षण करते हैं उनका अवलोकन करते हैं तो उसके द्वारा भी हम बहुत सारी प्रक्रियाओं का और गतिविधियों का पता लगा सकते हैं तो इस तरह की जो उभरती हुई जो स्थितियाँ थीं परिस्थितियाँ थी उन्होंने मनोविज्ञान को एक दिशा दी और आगे का एक रास्ता उसके लिए सुझाया तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें कि शुरुआती दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आ जाता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में और ये नाम है विलियम उंट का और विलियम उंट को बहुत सभी लगभग एक समान रूप से सभी इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या सामान्य रूप से यदि हम कहें तो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है और इसका कारण ये है कि विलियम उंट ने एटीन में लिप्जिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी में जो कि स्थित है वहाँ पर पहली प्रयोगशाला का स्थापना इन्होंने किया था जो कि पूर्ण रूप से मनोविज्ञानिक अध्ययन के लिए बनाई गई थी और विलियम उंट की जब हम बात करते हैं तो विलियम ऊंट को इसलिए भी बहुत चूंकि उन्होंने पहली एक स्वतंत्र प्रयोगशाला बनाई थी जो कि जर्मनी में उन्होंने स्थापित की थी इस कारण से उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है इसके बाद इसी क्षेत्र में या इसी क्रम में आप कहें तो एक बहुत बड़े और नाम हैं जिन्होंने और वो एक बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में भी उनको हमेशा से सराहा गया क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र को बहुत विस्तृत किया और उन्होंने इसके इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया और वो नाम है विलियम जेम्स का तो विलियम जेम्स जिनकी हम आगे भी चर्चा करेंगे जब उन्होंने अपना जो फंक्शनलिज्म का यानी कि प्रक्रियावाद का जो जो उन्होंने एक अपना अलग ही एक पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए तो उस पर भी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो दोबारा इनका नाम हमारे सामने आएगा तो इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है और वो है जी स्टैनली हॉल स्टैनली हॉल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जा कर के वहाँ पर आ, स्थापना की थी प्रयोगशाला की अमेरिका में और अमेरिका में ये प्रयोगशाला जब उन्होंने जॉन हॉपकिंस जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है अमेरिका में तो वहाँ पर चूँकि मनोविज्ञान एक बहुत ही उभरता हुआ विषय था और यूं कह लें हम कि वो अपने एकदम शुरुआती दौर में था या उसको विषय के तौर पे मान्यता भी उतनी नहीं मिल पाई थी उस दौर में स्टैनली हॉल का वहाँ पर जाना और एक प्रयोगशाला स्वतंत्र प्रयोगशाला का स्थापना करना और अमेरिका जैसे एक ऐसे देश में जो कि वस्तुतः उस समय के हिसाब से नया था और उसकी जो विश्वविद्यालय बन रहे थे वो भी मुकाबले जो पुराने विश्वविद्यालय जो उस समय विश्व में जो नामी विश्वविद्यालय थे उनके मुकाबले वो काफ़ी नए थे तो उन्होंने भी इस विषय वस्तु को जो कि मनोविज्ञान को हाथों हाथ लिया और इसके इसको एक विषय के तौर पे स्थापित होने में वहाँ बहुत मदद मिली और इसी का परिणाम हम आज देखते हैं कि जब मनोविज्ञान की हम बातें करते हैं या मनोविज्ञान विषय के बारे में जब हम समझते हैं या इसकी रिसर्चेस को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कार्य किया जा रहा है या सबसे ज़्यादा योगदान जो आया है वो एक तरह से हम अगर उस पर डिस्प्यूट ज़्यादा ना करें तो वो कहा जा सकता है कि वो अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका जिक्र अभी आगे होगा और उसकी भी स्थापना जी स्टैंडली हॉल ने ही की थी अपने समय में और वो था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जी स्टैनली हॉल का जो ये योगदान था ये वाकई में अभूतपूर्व था जिसके जिसके कारण मनोविज्ञान को आज जो दिशा मिली है जो आज जिस स्थिति में मनोविज्ञान एक विषय के तौर पर पहुँच पाया है उसमें इन सभी लोगों का विलियम उन्ट विलियम जेम्स और साथ ही साथ स्टैनली हॉल तो ये तीनों जो हैं इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और क्योंकि हमने अभी शुरुआती दौर में सिर्फ ये समझने की कोशिश की कि किन बड़े स्कॉलर्स ने उस समय में मनोविज्ञान को एक विषय वस्तु के तौर पे, एक विषय के तौर पे डेवलप होने में मदद की या उसको आगे बढ़ाया लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान की जो यात्रा थी उतनी ही सरल थी या उसमें चीज़ें उसी प्रकार से चलती रहीं या बहुत ही इसमें कोई विवाद नहीं हुए या लोगों के आपसी या स्कॉलर्स के बीच में आपसी कोई विवाद नहीं हुए या उनके बीच में कोई असहमति नहीं बनी तो ऐसा नहीं था बहुत असहमतियाँ बनी बहुत अलग अलग आप कह सकते हैं कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिनको आप संप्रदाय भी कह सकते हैं तो बहुत अलग अलग स्कूल्स ऑफ थाट्स बने जिन्होंने कहा कि विज्ञान की जो जो मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु है वो क्या होनी चाहिए तो इस पर एक तमाम लंबा विमर्श चला बहुत संघर्ष हुए लोगों ने बहुत इसमें तर्क वितर्क सब अपने अपने तरीके से उसको सिद्ध करने का प्रयास किया तो ये एक बहुत लंबा दौर रहा और इस दौर में जो कुछ शुरुआती प्रारंभिक और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ थॉट्स हुए उस ज़माने में जो शुरुआती दौर था मनोविज्ञान के विषय का तो उस दौर में आप देखेंगे तो सबसे पहला जो पहला ही जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद और ये फिर से आप देखेंगे यहाँ पे कि विलियम उंट जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहे जाते हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी और विलियम उंट ने अपना एक अलग उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके से इस अध्ययन करना चाहिए कि हमें हमारे कॉन्शियस का यानी कि चेतना जो चेतना है उसके हमें कंपोनेंट्स को समझने का प्रयास करना चाहिए यानी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को हमें स्टडी करना चाहिए उसको समझना चाहिए और इसके लिए जो उन्होंने जो तरीका बताया जो उन्होंने विधि अपनाई वो थी इंट्रोस्पेक्शन विधि और इंट्रोस्पेक्शन विधि में जो उनका मूल जो उद्देश्य था या जो वो उसके द्वारा कहते थे या वो उसको वो इस तरह से चाहते थे उसमें वो चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जब उसको किसी भी प्रकार का कोई भी एक उसको कहा जाए कि आप इस वस्तु को ले लीजिए सपोज ये एक एक कोई भी आपके हाथ में समझ समझ लीजिए एक चम्मच ही पकड़ा दिया गया और अब इसको लेने के बाद आपके हाथ में किस प्रकार का आपके अब दिमाग में जो अब इसके साथ निहित कौन सी चेतनाएं आपके दिमाग में उपज रही हैं उनको आप वस्तुतः एकदम जैसी उपज रही हैं उसी तरीके से आप बताते चलिए यानी कि आप अपना जो है आत्मनिरीक्षण करिए और अपने जो थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं जो कॉन्शियसनेस जो उत्पन्न हो रहा है उसको आप बताते जाइए और इस प्रकार से इस विधि का इस उपयोग करते हुए हम कंपोनेंट्स यानी कि तत्व चेतना के तत्वों को हम समझ पाएंगे और उसके बाद हम चीज़ों को इस तरीके से करते हुए हम एक बेहतर समझ बना पाएंगे मनोवैज्ञानिक जो भी हमारी प्रक्रियाएँ हैं तो इसके अलावा जो हमारे इन्होंने आ, इसके अलावा जो आत्मरीक्षण विधि के बाद जो एक और इसमें महत्वपूर्ण नाम आता है वो है मानस की संरचना का जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाया था एडवर्ड टिचनर ने और एडवर्ड टिचनर को वास्तव में जो स्ट्रक्चरलिज़्म शब्द है यानी संरचनावाद जो शब्द है उसका जो क्रेडिट जाता है वो एक्चुअली में वंट को ना जा करके टिचनर को जाता है क्योंकि इन्होंने भी वापस जा कर के अमेरिका में अपनी एक अलग प्रया प्रयोगशाला भी स्थापित की और साथ ही साथ वहाँ पर इन्होंने जो वंट की जो प्रेरणा थी जिसमें कि हम चेतना के तत्वों का अध्ययन करते हैं यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का जो अध्ययन करने का जो प्रयास वंट ने शुरू किया था उसी को टिचनर ने आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि जब हम कॉन्शियसनेस को एलिमेंट्स में ब्रेक करके उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं तो हम थॉट्स को भी फर्दर ब्रेक डाउन करके उसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो पहला जो प्रयास इन्होंने किया जिसमें कि टीचनर ने अपना ये स्ट्रक्चरलिज़्म का जो 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 इसको बढ़ावा दिया अमेरिका में जा कर के और इसी दौर में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी भी हुई जो कि पहली फर्स्ट पीएचडी धारक महिला भी बनी साइकोलॉजी विषय में और उनका नाम था मार्गरेट वॉश वॉशबर्न और 1894 में इन्होंने अपनी प्रथम पीएचडी डिग्री हासिल की थी जो कि पहली महिला भी बनी जिन्होंने इस क्षेत्र में और ये दूसरी महिला थी जिन्होंने जो बाद में आगे चल करके अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेस, प्रेसिडेंट भी बनी तो इसके अलावा जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्थापना थी जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था जो जी स्टैनली हॉल ने की थी और वही उसके प्रथम प्रेसिडेंट भी थे और इसके बाद आगे की चर्चा में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से जो संप्रदाय या स्कूल ऑफ थॉट जो साइकोलॉजी में जिसने बहुत डोमिनेट किया या ये कह सकते हैं कि उसने भी अपना एक बहुत उचित स्थान बनाया वो था विलियम जेम्स के द्वारा प्रतिपादित प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म क्यों क्योंकि इसके पहले वुंट ने या टिचनर ने जो बातें की उसमें उन्होंने संरचना पे बहुत फोकस किया कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो किन चीज़ों से बना हुआ है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं उसके तत्व क्या हैं लेकिन विलियम जेम्स का ये मानना था और वो इस बात के मुखर विरोधी भी थे कि हमें संरचना से ज़्यादा उसके फंक्शंस पे यानी उसके उपयोग पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि संरचना को समझ के हमारा कोई लाभ नहीं है विषय का कोई लाभ नहीं है हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो मनोविज्ञान विषय है उसमें उसकी जो फंक्शंस हैं उसके कॉन्शियसनेस के जो फंक्शंस हैं जो कार्य हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और इसी वजह से इसको जो ये फंक्शनलिज्म का जो ये पूरा ये स्कूल ऑफ थॉट था इसको इसलिए कई विद्वानों का ये भी मानना है कि इसको हम प्रथम अप्लाइड साइकोलॉजी का जो दृष्टिकोण है उसके रूप में भी इसको देखा जा सकता है और यदि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है अगर ये कैरी ऑन होता कंटिन्यू होता और आगे चल के इसमें बहुत क्षमता थी कि आने वाले समय में जो आधुनिक जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी है आधुनिक जो परिप्रेक्ष्य है मनोविज्ञान का उसमें समाहित होने का और उसी दिशा में ये आगे बढ़ रहे थे किंतु उस समय कई कारणों से ये उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसका विकास नहीं हो पाया मगर ज़रूर इसने एक स्ट्रक्चरलिज्म के अपोजिट उसके सामने एक चुनौती खड़ी की और इस डिबेट को बढ़ाया कि स्ट्रक्चरलिज्म जो कहता है कि हम संरचना की बात करें कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स की बात करें इन्होंने उसके विपरीत कहा कि हम कॉन्शियसनेस के या जो ह्यूमन माइंड है उसके हम फंक्शंस की बात करें उसके कार्यों की बात करें कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं विलियम जेम्स ने भी अपने फंक्शनलिज्म की जो नींव रखी कि हम मनोविज्ञान में भी उन प्रक्रियाओं को ध्यान दें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और उन चीज़ों पर ना ध्यान दें जो कि सिर्फ केवल हमारे समझ को जो ये कहती हैं कि जैसे स्ट्रक्चरलिज़्म का सबसे ज़्यादा उनके साथ विवाद था और वो ये मानते थे कि स्ट्रक्चरलिज़्म जिस बात पर फोकस करता है या जिस बात को ध्यान देने के लिए कहता है वो उतनी आवश्यक ना हो करके या हमारे लिए वो गैर ज़रूरी हैं और हमें फंक्शनलिज्म यानी कि उसके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी है इसके बाद जो अगले संप्रदाय हुए जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे इस क्षेत्र में और उसमें से यहां पर आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि व्यवहारवाद समग्रवाद जो कि और गेस्टाल्टिज्म के नाम से भी जाना जाता है और मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस तो ये तीन महत्वपूर्ण जो हैं हमारे संप्रदाय या स्कूल ऑफ थॉट्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये और तीन महत्वपूर्ण संप्रदाय हुए इसमें से हम शुरुआत करते हैं हम गेस्टाल्टिज़्म से व्यवहारवाद को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ अभी यहाँ पर क्योंकि हम उस पर दोबारा बात करेंगे गेस्टाल्टिज़्म में जो इसके शुरुआती जो स्थापक आप कह सकते हैं वो मैक्स व को माना गया और उन्होंने अपने शुरुआती कार्य में और बाद में इसको इस गेस्टाल्टिज्म को और आगे बढ़ाने में उनके साथियों जिसमें वुल्फ गैंग कोहलर और कर्ट कोफ्का का भी नाम आता है इन लोगों ने इस गेस्टाल्टिज़्म को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया यहाँ पर जो शब्द है गेस्टाल्ट उसका अर्थ समझना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है और गेस्टाल्ट का जो अर्थ है वो है कि गेस्टाल्ट जर्मन का एक शब्द है जिसका अर्थ है एन ऑर्गेनाइज्ड होल यानी कि एक संगठित पूर्ण कोई भी आकृति या कन्फिगरेशन और इसके लिए एक बेहद ही खास वाक्य है जो कि अगर आप इस विषय वस्तु को और पढ़ेंगे मनोविज्ञान में तो गेस्टाल्ट से संबंधित ये जो एक स्टेटमेंट है ये बार बार उभर कर आती है और वो स्टेटमेंट है दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स यानी कि जो संपूर्ण है कोई भी वस्तु जब संपूर्णता में देखी जाती है तो उसका जो अर्थ है वो हमेशा उसके पार्ट्स यानी टुकड़ों से अधिक निकल कर आता है यानी वो हमारे लिए एक मीनिंग अर्थ लेकर के आता है वस्तुतः ये जो जो कार्य इन्होंने जो गेस्टाल्ट जो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने अपने इस कार्य में जो परसेप्शन की जो हमारी सेंसेशन और परसेप्शन की जो प्रक्रिया है उसको केंद्रित करते हुए इन्होंने कहा कि ना ही हमें संरचना पे ज़्यादा बात करनी चाहिए ना ही हमें फंक्शंस पे हमें बल्कि ये देखना चाहिए कि, कि किस प्रकार से उसको हम ब्रेक डाउन ना करके हम ये समझें कि जो भी हम स्टूमलस हमें दिखता है या हम उसको जो परसीव करते हैं वो उसको हम संपूर्णता में करते हैं ना कि उसके टुकड़ों में जा कर के हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि संपूर्णता में ही हमारे लिए उसका कुछ अर्थ है और वो हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी है जब उसका अर्थ हमें समझ आता है इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से गेस्टाल्टिज़्म का जो उनका ये जो उन्होंने समझाना अपने इस थॉट ऑफ स्कूल में जो समझाना चाहा है उसको हम एक दो उदाहरणों से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर जैसे आप ये समझिए कि अगर हम आज के समय में चूँकि स्मार्टफोन मोबाइल फोन बहुत ही आज के समय में एक ऐसी चीज़ है जो लगभग लगभग सभी उससे उसे यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन जब एक पूर्ण एक डिवाइस के तौर पे हमारे सामने होता है तो वो एक स्मार्टफोन है लेकिन यदि हम उसे खोल दें और उसको पुर्जा पुर्जा अलग कर दें तो जैसे ही हम ये कार्य करते हैं उसके बाद स्मार्टफोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है उन पुर्जों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है जब तक कि वो संगठित हो करके, यानी एक होल के तौर पर के एक संपूर्णता के तौर में आकर के एक स्मार्टफोन का निर्माण नहीं करते तो इस प्रकार की जो बातें गेस्टाल्टिज्म में कही गई, जो बताई गई आज के समय में भी उनका जो ये जो पर्स्पेक्टिव है जो परिप्रेक्ष्य है उसका बहुत महत्व है और इस ये कहीं ना कहीं आगे चल करके जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि आज के समय में मनोविज्ञान के एक सबसे महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों में से एक है जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कहीं ना कहीं कॉग्निटिव साइकोलॉजी को शेप करने में और गेस्टाल्टिज्म के बहुत सारे प्रिंसिपल्स आज भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उनका उपयोग होता है हम बात करेंगे साइको एनालिसिस की और जब साइको एनालिसिस की बात आती है तो एक बहुत ही रोचक नाम उभर कर सामने आता है वो है सिगमंड फ्राइड का इसमें सिगमंड फ्राइड ने जो बातचीत की वो ये थी कि हम हमें कॉन्शियसनेस के हमारे अलग अलग लेवल्स हैं यानी कि जब जिस वक्त पर जो संरचनावादी थे यानी स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो आपस में इस बात को लेकर के बहस कर रहे थे कि हमारे लिए कौन से एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं हमें किन का अध्ययन करना चाहिए किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए उसी जगह पे फंक्शनलिस्ट खुद को स्पेशलाइज करने में लगे हुए थे कि हम किस तरह से फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं और गेस्टाल्ट वहीं पर एक बड़ी पिक्चर को यानी संगठित एक फुल होल को देखने का समझने का प्रयास कर रहे थे उसी समय में फ्रायड ने जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे उन्होंने एक अलग ही एक पर्सपेक्टिव दिया जिसमें चूंकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे तो उनके पास जो आने वाले व्यक्ति थे या जो उनके मरीज़ थे जिनको आप ये समझिए कि वो समस्याओं को लेकर के उनके पास आते थे तो सिगमंड फ्रायड हमेशा ये प्रयास करते थे कि उनकी समस्याओं की मैं केंद्र तक पहुँचूँ क्या उसके कारण हैं लेकिन कई बार उनको ऐसे भी पेशेंट्स उनको सामना करना पड़ा जिनकी कोई भी उनको फिजिकल कॉज नहीं मिला कोई मेडिकल कॉज नहीं मिला जिसके ऊपर ये कह सकें कि इसकी समस्या की जड़ यहाँ से निकलती है तो ऐसी स्थिति में सिगमंड फ्राइड का जो ध्यान था वो कुछ दूसरी बातों की तरफ गया कि जिसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस की बात की आगे चल करके जिसमें सिगमंड फ्राइड ने ये बताया कि हमारे व्यक्तित्व में और हर व्यक्ति में कॉन्शियसनेस के कुछ लेवल्स हैं और उसको बाद में आगे चल करके उन्होंने तीन भागों में भी बांटा जिसमें एक हमारा कॉन्शियसनेस एक प्री कॉन्शियसनेस और एक आ, सब कॉन्शियसनेस और एक अनकॉन्शियसनेस यानी कि जो तीन हमारे जिसमें से कि प्री कॉन्शियसनेस या उसको आप सब कॉन्शियसनेस एक ही समझ सकते हैं और कॉन्शियसनेस प्री कॉन्शियसनेस एंड जो हमारा अनकॉन्शियस इस तीन में उन्होंने बांटा जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस है वहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे विचार बहुत से ऐसे हमारे थाट्स पड़े रहते हैं जिनको हम लगातार रिप्रेस करते हैं उनको दबाते हैं उनको उभरने नहीं देते और कहीं ना कहीं वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का एक स्रोत का काम करते हैं जब कोई भी व्यवहार हम करते हैं तो उसके पीछे उनकी एनर्जी होती है तो इस तरह का उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था और साथ ही साथ बहुत इन्फ्लुएंसियल भी था अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसको आखिरी में डिस्कस करेंगे और वो है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म को हम यूँ कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म ने उस दौर में शुरुआती दौर में मनोविज्ञान के आप ये कह सकते हैं कि अर्ली जो 1900 से लेकर के 1950 और 60 तक का जो बीच का जो दौर था उसको डोमिनेट किया बिहेवियरिज्म ने और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे पहले हम उसके शुरुआती योगदानों को समझेंगे उसके बाद हम उसके आगे के कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे तो व्यवहारवाद के जब हम बात करते हैं तो उसमें जॉन वॉटसन का नाम आता है जॉन वॉटसन ने इस बात पर जोर दिया कि हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए मनोविज्ञान में जो हमें प्रत्यक्षता दिखाई नहीं देती खास करके उनका जो इशारा था वो स्ट्रक्चरलिज्म और साइकोनालिसिस के विरोध में था कि जैसे हम वहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं कि जो माइंड की संरचना है स्ट्रक्चरलिज्म में हम उसकी बात कर रहे हैं साइकोनालिस में हम कॉन्शियस की बात कर रहे हैं फिर से कि कुछ दबी हुई थाट्स कुछ फीलिंग्स हैं लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनको देख नहीं सकते इनको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते इनको हम मेजर नहीं कर सकते यानी इनका मापन नहीं कर सकते तो जॉन वॉटसन के अनुसार ऐसी कोई भी विषय वस्तु या ऐसा कोई भी जो भी हम अगर अध्ययन कर रहे हैं उसको हम अगर प्रत्यक्षतः देख नहीं सकते उसका हम मापन नहीं कर सकते यानी जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन संभव नहीं है और मेजरमेंट संभव नहीं है वहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी की बात नहीं कर सकते वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते तो जॉन वॉटसन ने जो अपना बिहेवियरिज्म का जो आप यूँ कह लीजिए कि उसको बढ़ावा दिया या उसको आगे उन्होंने प्रमोट किया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका एक एक एक्सपेरिमेंट रहा उसका मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करता हूँ और वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक बच्चा एक इन्फेंट था उसका नाम था लिटिल एल्बर्ट और लिटिल एल्बर्ट नामक इस बच्चे को उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के तहत उसमें ये दर्शाया कि किस प्रकार से जो हमारी इनिशियल जो घटनाएं हैं जैसे इसका उदाहरण हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि साइको एनालिसिस में फ्राइड ने फोबिया के लिए जिम्मेदार माना हमारे शुरुआती एक्सपीरियंसेस को और जो हमारे ऐसी कुछ कॉन्शियस में कोई ऐसी चीज़ चली गई है जिससे कि हमारी वो बार बार हमें सरफेस लेवल पर आती है और हमारे अंदर वो फोबिया या इस प्रकार का कोई डर उत्पन्न करती है जबकि वॉटसन ने इस चीज़ को चैलेंज करते हुए अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको उन्होंने इस प्रकार से किया कि हम जो भी चीज़ आज के समय में हमारे साथ हो रही है या जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं वो हमने सीखा है द बिहेवियर विच वी आर शोइंग टूडे इज़ बेसिकली लर्नड दैट इज़ वाट वाट्सन ट्राइड टू से यानी वाट्सन ने इस चीज़ को प्रमोट किया कि हम हमारे व्यवहार में जो भी प्रदर्शित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग का हमारे सीखे हुए जो हमारे अनुभव हैं उनका वो रिजल्ट है और इसको उन्होंने लिटिल एल्बर्ट के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उस उसके द्वारा ये आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी तो लिटिल एल्बर्ट को जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया तो उस एक्सपेरिमेंट में वॉटसन ने एक वाइट रेड यानी सफ़ेद चूहा रखा और उस बच्चे को जब भी एल्बर्ट को जब भी वो चूहा दिखाया जाता था तो उस चूहे के साथ साथ एक बड़ी जोर की वाइब्रेटिंग साउंड भी की जाती थी जो कि काफ़ी हद तक डरावनी थी हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे के लिए थोड़ी एक डिस्टर्बिंग आवाज़ थी तो बच्चा जब भी उस चूहे को देखता था तो साथ ही साथ उसको वो साउंड भी सुनाई देती थी तो बच्चा समय के साथ वो उस चूहे से डरने लगा जो सफ़ेद चूहा उसको दिखाया जाता था वो उससे भी वो थोड़ा थोड़ा डरने लगा और इस डर की वजह से आगे चल करके उस बच्चे के अंदर उस वाइट रेड को ही देखने पर वो डर उत्पन्न हो जाता था जो कि वो केवल पहले साउंड से वो डर होना चाहिए था अब वो बच्चा जो डिल लिटिल एल्बर्ट है वो सफेद चूहे मात्र को देखने से भी उसी प्रकार का भय प्रदर्शित करता था फोबिया प्रदर्शित करता था तो अपने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जॉन वॉटसन ने ये दर्शाया कि, कि किस प्रकार से हम जो भी हमारे जो बिहेवियर हो रहे हैं जो भी हमारा हम व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं सीखे हुए व्यवहार हैं हमारे एक एक पैराडाइम है जिसकी हम आगे बात करेंगे जो कि एस आर पैराडाइम है स्टिमुलस और रिस्पांस, यानी एक उद्दीपक है और उस उद्दीपक की वजह से होने वाला एक रिस्पांस यानी कि एक प्रतिक्रिया तो इसका जो हमारा एक जो कह लीजिए कि एक लिंक है उसकी बात करते हैं जॉन वॉटसन और इसीलिए इसी क्षेत्र इसी में हालांकि आगे चल करके जॉन वॉटसन ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज करते हुए वो एडवर्टीज़मेंट के क्षेत्र में आगे चले गए और इसके अलावा बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम और योगदान था वो था बी एफ स्किनर का और स्किनर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यवहारवादी थे और उनका जो वर्क है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का वो अपने आप में मनोविज्ञान को एक बहुत आगे उसको दिशा देने में उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका है उन्होंने उस दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब भी उन्होंने पब्लिश की थी और उस किताब का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और इन सभी योगदानों की वजह से बी एफ स्किनर को भी और आगे चल करके जब वॉटसन ने प्रमुख बिहेवियरिज्म को छोड़ करके वो जब दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने लगे तो उस दौर में भी बी एफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म को काफ़ी आगे बढ़ाया तो इस तरह से आ, आगे चल कर के आ, हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म एक ऐसे क्षेत्र के या एक ऐसे परिपेक्ष के रूप में उभरा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कि जिसने उस दौर में ये कह सकते हैं कि बाकी सभी जो उस उस समय के उस वक्त के परिप्रेक्ष्य थे उन सभी को ओवर कर दिया यानी उनको ढक दिया और उनके महत्व को काफी हद तक कम कर दिया और एक ऐसा दौर भी बीच में आया जिसकी हम आगे अभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बिहेवियरिज्म ने उस दौर में डोमिनेट किया साइकोलॉजी की फील्ड को और इसकी हम बात करेंगे तो आगे चलते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान की जो विषय यात्रा है उसमें व्यवहारवाद का उत्थान जो हुआ वो किस प्रकार हुआ और इसके साथ ही साथ बिहेवियरिज़्म ने जो प्रॉमिस जो शो किया जो आगे चल करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसको साइंटिफिक होने का और ऑब्जर्वेबल एक्शंस को स्टडी करने का जो पर्सपेक्टिव था वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ल्यूक्रेटिव था इतना लुभावना था कि उस दौर में ये चर्चा या ये विवाद लगभग लगभग समाप्त हो गया कि कोई और परिप्रेक्ष्य होना भी चाहिए क्योंकि बिहेवियरिज्म से लोगों को इतनी आशा और उम्मीदें जुड़ी कि सबने या यूँ मान के चल सकते हैं हम कि बिहेवियरिज्म का एक ऐसा दौर आया कि उस समय साइकोलॉजी वॉज ऑनली अबाउट ऑब्जर्वेबल एक्शंस यानी कि मनोविज्ञान में उस वक्त एक्सपीरियंसेस की थॉट्स की या किसी भी कॉग्निटिव प्रोसेस का कोई स्थान ही नहीं बचा एक तरह से और केवल ऑब्जर्वेबल एक्शंस की बात होने लगी और ऐसे में जो एस आर पैराडाइम की जो हम बात कर रहे थे स्टूमलस रिस्पॉन्स जो साइकोलॉजी है उसमें स्पेशली इस तरह की जो व्यवहारवाद की जो जो स्टडीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो उस समय में स्टडीज़ की गई वो थी स्टडीज़ ऑन एनिमल्स एंड स्पेशली एनिमल लर्निंग और एनिमल लर्निंग की जो स्टडीज़ थी उसके उसमें मेज़ लर्निंग का भी बहुत ज़िक्र आता है और उस दौर में ये माना गया शुरुआती दौर में कि व्यवहारवाद का जो परस्पेक्टिव है उसमें हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के मदद से हम मानव व्यवहार में जितनी भी इस प्रकार की हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उन सभी को हम बहुत ही डिटेल में समझ पाएंगे और उसमें हमारी जो समझ है वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही वृहद होगी इस प्रकार की जो एक आशा जो जनरेट हुई उस वजह से व्यवहारवाद का उत्थान अपने चर्मोत्कर्ष पे भी गया हालांकि इन सब बातों के बावजूद व्यवहारवाद को समय समय पर उसका जो है आलोचना भी हुई उसका क्रिटिसिज्म हुआ और उसमें तमाम दूसरे भी पर्सपेक्टिव्स उन्होंने भी अपना स्थान बनाने का प्रयास किया और फिर उसमें आगे चलकर बदलाव भी हुआ तो व्यवहारवाद की जो ये सबसे उसका जो एक कह सकते हैं प्रमुख चैलेंज उसको मिला वो था सिगमंड फ्रायड से क्योंकि व्यवहारवादी जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनका ये मानना था और उनका ये सबसे बार बार वो लगातार यही कहते थे या उनका ये इस पर बहुत जोर था कि हमें ऑब्जर्वेबल एक्शंस यानी कि जिसको हम देख सकते हैं ऐसे एक्शंस को ऐसे बिहेवियर्स को ऐसे रिस्पॉन्स को हमें स्टडी करना चाहिए ना कि उस चीज़ को जिसको हम देख नहीं सकते जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसका मापन नहीं कर सकते लेकिन इसके बावजूद उस दौर में भी सिगमंड फ्राइड ने अपना एक स्थान बनाए रखा और बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल अपना एक प्लेस बना करके रखा जहाँ पर कि वो इन बातों को करते थे कि हमारा कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस और जो कि ठीक विपरीत है जो व्यवहारवाद कहता है कि हमें ऑब्जर्वेबल एक्शन्स की तरफ ध्यान देना चाहिए मेजरमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए जबकि यूँ कहा जाए तो सिगमेंट फ्राइड की जो विधि है या साइकोनालिस की जो प्रक्रिया है उसमें इसका कोई स्थान दिखता नहीं है इसके बाद एक और जो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चैलेंज मिला या क्रिटिसिज्म मिला बिहेवियरिज्म को वो था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट की तरफ से यानी मानववादी जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला बिहेवियरिज्म को क्योंकि फ्राइड बात करते थे सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की और बिहेवियरिज्म वहीं पर बात करता था ऑब्जर्वेबल एक्शंस की कि यानी कि एक प्राणी को या एक व्यक्ति को कुछ भी आप स्टिमुलस दीजिए तो उसका कुछ रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन जो एक बार आया है वो अगली बार फिर से आएगा और इसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात की गई कि यानी कि अगर वो उसके लिए रिवॉर्डिंग होगा तो वो व्यक्ति फिर से उसको दोहराएगा और अगर वो उसके लिए पनिशमेंट के तौर पे होगा तो वो उसको फिर से दोबारा करने का प्रयास नहीं करेगा तो इस प्रकार की बातचीत थी जो कि मानववादी यानी ह्यूमनिस्टिक जो पर्स्पेक्टिव था वो इसके घोर विरोधी थे और उनका कहना था कि मनुष्य को हमें केवल इन दो दायरों में बांट करके नहीं रखना चाहिए जहाँ पर एक और हम ये कहते हैं कि मनुष्य केवल जो उसको प्रस्तुत किया जा रहा है केवल उसका वो रिस्पांस करता है यानी उसकी अपनी कोई अस्तित्व कोई चेतना ये या उसका कोई अपना सेल्फ नहीं है और दूसरी तरफ फ्राइड का ये कहना कि हमारे जो भी अनकॉन्शियस में जो थाट्स हैं वो हमारे व्यवहार को चलाते हैं तो ये दोनों ही पर्स्पेक्टिव को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव ने और इसके अलावा आ, और भी कुछ जो समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया तो बिहेवियरिज्म से जो आशाएं लोगों ने की थी कि बिहेवियरिज्म से उनको एक बहुत वृहद समझ मिलेगी मनोवैज्ञानिक विषय की और उसकी विषय वस्तु की और उसमें तमाम ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जैसे लैंग्वेज है और उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन है और उसके अलावा ह्यूमन एक्सपीरियंस है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में जो एक प्रयास था या एक आशा थी कि हम हमें इसकी बेहतर समझ मिलेगी व्यवहारवाद के माध्यम से उसके एक्सपेरिमेंट से उसकी स्टडी का जो तरीका है उसको अगर हम अपनाए रखें लेकिन इससे आगे चल करके मनोवैज्ञानिकों को या शोधकर्ताओं को बहुत निराशा हुई क्योंकि उनकी जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी और कुछ हद तक बिहेवियरिज्म अपने सोर्सेज में लिमिट होता जा रहा था और इन्हीं कारणों से आप एक कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर भी आया जब बिहेवियरिज्म से या उसका जो हाइप था इतना कि वो साइकोलॉजी की फील्ड को रेवोल्यूशनाइज़ कर देगा बिहेवियरिज्म का जो ये पर्सपेक्टिव है तो वो थोड़ा हद तक काफ़ी वो कह सकते हैं कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट रुझान थोड़ा कम हुआ इसके बाद इस गति गतिविधि के बाद जो अगली जो चीज़ होती है वो होती है आधुनिक मनोविज्ञान का उद्भव यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी या उसके साथ हमारा आ, तो हम ऐसे में ये कह सकते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी के फील्ड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आ, जो योगदान था वो उस दौर में 1960s में एक आ, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसको कि लोगों ने बाद में चल करके के शोधकर्ताओं ने मनोवैज्ञानिकों ने उसको कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का नाम दिया और कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में उनका ये मानना था कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने और और ये कॉग्नेटिव का उस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक था या कह लीजिए जो उसका होने का कारण था वो था कंप्यूटर का आविष्कार जिसकी वजह से आगे चल करके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे ऐसे जो पहले पूर्व में ना किए जा सकने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स थे या जो कार्य थे वो बाद में संभव हो सके और इसी के साथ साथ जो एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिससे हम लाइव uh, ब्रेन की यानी कि जिंदा मनुष्य के मस्तिष्क की कार्य करते हुए जो उसकी अध्ययन है जो स्टडी है वो भी कर पाए या कर पाते हैं तो ये सब तमाम ऐसे कारण रहे जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान को एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देते हुए साथ ही साथ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को काफ़ी हद तक पीछे किया या उसको यूँ कह सकते हैं कि जो उसका प्रभाव था उसको बहुत कम किया अब आधुनिक मनोविज्ञान के हमारे जो महत्वपूर्ण परिपेक्ष्य हैं जो आज के समय में जिनके जो बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि आ, इनका आज के समय में ये ये सभी परिपेक्ष एक अपना एक स्थान रखते हैं और कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की विषय वस्तु को ये आ, उसमें ये उसकी गति को और उसकी दिशा को तय करते हैं इसमें जो प्रथम है वो है सोशियो कल्चरल परिप्रेक्ष्य और सोशियो कल्चरल परिप्रेक्ष्य में शुरुआती दौर ऐसा था जब आ, सोसाइटी का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है या कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं या उसकी वजह से हमारे व्यवहार में आने वाले जो बदलाव हैं उनको बहुत हद तक इग्नोर्ड थे वो और उनके बारे में हमारी जो समझ थी वो बहुत ही सीमित थी और इनको एक महत्वपूर्ण इसको एक कंपोनेंट के तौर पे नहीं देखा जाता था शुरुआती दौर में मनोविज्ञान में और उसमें यूनिवर्सलिज्म की बात ज़्यादा थी और उसमें ये माना जाता था कि जो किसी भी क्षेत्र में हो रहा है या कहीं भी किसी कल्चर में जो हो रहा है वही सभी कल्चर्स के लिए एक समान उसको देखा जा सकता है मगर समय के साथ ये बदलाव हुआ और सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ने हर एक विषय हर एक कल्चर हर एक समाज के अपने अपने तरीके तौर तरीके उनको महत्व दिया और इसी के साथ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव आज एक आज के दौर में मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है उसके बाद एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की जब बात हम करते हैं तो आज के समय में एवोल्यूशन uh, का जो प्रक्रिया है उसका भी बहुत योगदान माना जाता है हमारे आज का जो हम व्यवहार है मानव व्यवहार है और किस प्रकार से हमारी जो पीछे चली आ रही जो हमारे इसमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में बेसिकली यूनिवर्सल ह्यूमन जो ट्रेट्स हैं उनकी बात की गई है कि कैसे समय के साथ वो हमारे साथ बने रहे और कौन से जो गैर ज़रूरी हमारे बिहेवियर्स या ट्रेड्स थे वो कैसे हमारे व्यवहार से बाहर हो गए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव के तौर पर उभर कर आज के समय में सामने आया है इसके बाद जो एक तीसरा महत्वपूर्ण मॉडर्न पर्सपेक्टिव है वो है विकासात्मक परिपेक्ष यानी डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव जिसमें कि हम मनुष्य की या मानव की जो विकास यात्रा है जो जीवन यात्रा है उसमें वो जन्म के पूर्व से यानी कंसेप्शन से लेकर के डेथ तक उसके जन्म से पूर्व से लेकर के उसकी मृत्यु तक की जो पूरी यात्रा है उस दौरान वो किस प्रकार से डेवलप करता है किस प्रकार से वो अपने जीवन के दौरान कितनी अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन से व्यवहार करता है किस प्रकार से वो अपना जीवन वो उसमें आगे चलता है तो ये सारे जो उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं इसका जो अध्ययन है डेवलपमेंटल डव्ल, पर्सपेक्टिव इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसके अलावा जो एक मानववादी परिप्रेक्ष्य है जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी की थी जिसके दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जिस जिन्होंने इस मानववादी परिपेक्ष्य यानी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को बढ़ावा देने में जो बहुत बड़ा योगदान दिया उसमें एक थे कार्ल रॉजर्स और एक थे अब्राहम मास्लो तो इन दोनों ने भी इस परिप्रेक्ष्य को काफ़ी गति दी और इसमें उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति है उसको हम केवल स्टूमलस का या केवल उसके रिप्रेस थॉट्स का अधीन न मान करके हमें व्यक्ति को एक ऐसे इंडिविजुअल के तौर पर देखना चाहिए जिसके पास फ्री विल है उसका एक अपना सेल्फ का कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर एक ये पोटेंशियल है उसके अंदर एक क्षमता है कि वो आगे चल करके अपने आप को बदलाव कर सकता है उसमें सुधार कर सकता है अपने आप को अपग्रेड कर सकता है और जो उनका जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का यानी कि मनुष्य के अंदर एक क्षमता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़े यानी खुद को आत्मसात करे और इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में अपनी जो उसकी गतिविधियाँ हैं वो उस तरह से शेप होती हैं तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके बाद अगेन ऐसा नहीं हुआ कि व्यवहारवादी परिपेक्ष यानी बिहेवियरिज्म का जो पर्सपेक्टिव है वो समय के साथ धुंधला ज़रूर हुआ थोड़ा हल्का ज़रूर पड़ा बट वो पूरी तरह से समाप्त हुआ ऐसा नहीं है आज भी बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स में बिहेवियरिज्म यानी कि जो उसका जो मॉडल है वो आज भी कहीं बहुत हद तक एग्जिस्ट करता है और अभी भी वो मनोविज्ञान की जो मुख्य धारा है उसमें वो उसका बहुत बड़ा योगदान है जिसमें से कि जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं जो कंडीशनिंग है और जो इस प्रकार के स्टमलस रिस्पॉन्स के जो पैराडाइम्स हैं वो उसकी टोटेलिटी में तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका जो मूल था कि वी शुड फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल स्टमलस वो जो फोकस था वो आज भी कहीं ना कहीं बिहेवियरल बिहेवियरल पर्सपेक्टिव का वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और हम ये कह सकते हैं जो कि अगला हमारा महत्वपूर्ण तो परिपेक्ष की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं कि व्यवहारवादी परिपेक्ष में ये ज़रूर कहा गया था कि हमें एक्सपीरियंसेस जो माइंड एक्सपीरियंसेस हैं या जो थॉट्स हैं उन पर ध्यान न देते हुए हमें केवल ऑब्जर्वेबल की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि समय के साथ चूंकि जैसा कि हम पीछे चर्चा भी कर चुके हैं जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो उद्भव हुआ या उसका जो उसकी जो उसने जो स्पीड पकड़ी खास करके कंप्यूटर के आने के बाद बहुत सारी ऐसी जो स्टडीज थी या इस प्रकार की जो ऑब्जर्वेशंस थी जो संभव हो पाई तो उन सभी के नाते बाद में बिहेवियरिज्म ने भी थोड़ा सा अपना स्वरूप बदला और जो रिजिडिटी थी कि हम एक्सपीरियंसेस को और जो पर्सनल जो फीलिंग्स हैं उनको ध्यान न देते हुए केवल ऑब्जर्वेबल की बात करें तो थोड़ा उसमें भी बदलाव आया और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सपेक्टिव बनकर उभरा और आज के समय में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्योंकि इसके तहत हम मेंटल uh, प्रोसेसेस की जो बात करते हैं जिसमें थॉट्स हुए डिसीजन मेकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो चाहे मेमोरी हो इस प्रकार के या लैंग्वेज हो जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं यानी मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हैं उन सभी का अध्ययन इसमें संभव हो पाया और विशेष करके जब कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की हम बात करते हैं जिसमें कि हमारा माइंड जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है यानी हम जब इस तरह की चीज़ों को कर रहे होते हैं अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं न्यूरोनल लेवल पे और किस तरह की वहाँ पर स्टिमुलेशन चल रही है अब इन सब का भी अध्ययन संभव हो पाया है जो लाइव ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो आई हैं जिसमें का एक उदाहरण है एफ तो इस तरह की जो टेक्निक्स आई हैं उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान में जो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है वो है जैविक परिपेक्ष यानी कि बायोलॉजिकल या बायोसाइकोलॉजिकल भी हम उसको कह सकते हैं वो पर्सपेक्टिव जिसमें कि केवल हमारे शरीर की वो क्रियाओं की भी बात करने का इसमें प्रयास किया जाता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल बेसिस हैं बिहेवियर के हमारे व्यवहार के जो जैविक जो आधार हैं उन पर भी इस पर ध्यान दिया जाता है जिसमें कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है या एंडोक्रीन सिस्टम है इस प्रकार से ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं उसको प्रेरित करते हैं तो ये इस मैकेनिज्म को भी समझने का प्रयास इस पर्सपेक्टिव में किया जाता है इसके अलावा जो साइको पर्सपेक्टिव पर्स्पेक्टिव है वो भी हम ये पाते हैं कि आज के समय में जो साइको एनालिटिक पर्स्पेक्टिव था जो सिगमेंट फ्राइड द्वारा दिया गया पर्स्पेक्टिव था आज भी वो हम ये कह सकते हैं कि एक एक बदले हुए स्वरूप में साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव के तौर पे आज भी एग्जिस्ट करता है और इसमें हम ये पाते हैं कि इसमें अब उन बातों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या यूं कहें कि थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी के साथ इसको इस पर्सपेक्टिव का अप्रोच है और इसमें अभी भी ये प्रयास किया जाता है कि हम शुरुआती फॉर्मेटिव ईयर्स को तो ध्यान दें बट ओवर एम्फिसाइज ना करें उस दौर को या फिर सेक्सुअल मोटिव्स को और इस प्रकार की जो एनालिसिस में जो आ, की जो थियोरी थी या जो पर्सपेक्टिव था उसमें जो अनकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था उसको न देते हुए साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में अब एक इंट्रैक्शन की बात की जाती है कि ज़रूर हमारे अनकॉन्शियस का भी महत्व है मगर साथ ही साथ हमारे जो एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट है जो हमारा इंटरेक्शन है विद द एनवायरनमेंट, विद द कंडीशन तो उसकी भी अब एक समग्र इसमें बातचीत होती है तो ये हम कह सकते हैं कि साइको एनालिसिस का एक बदला हुआ स्वरूप एक एक बेहतर स्वरूप साइको डाइनेमिक पर्स्पेक्टिव के तौर पे आज भी एक मॉडर्न साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक इसका भी स्थान है और आधुनिक मनोविज्ञान के जो पर्स्पेक्टिव्स हैं उनको उनकी चर्चा करने के बाद हमें एक और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए यहाँ पर और वो है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण विवाद यानी इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ साइकोलॉजी जो कि हमेशा एक प्रेरित करते रहते हैं मनोवैज्ञानिकों को शोध की ओर और, और इनको वो प्रयास लगातार करते रहते हैं कि, कि किस प्रकार से वो इन विवादों को सुलझा सकें या इसमें किसी निर्णायक निष्कर्ष तक पहुँच सकें इसमें जो पाँच प्रमुख जो विवाद हैं या जो मुद्दे हैं उनमें एक है नेचर वर्सेस नर्चर यानी कि प्रकृति बनाम परवरिश जो एक कांस्टेंट एक डिस्कशन या एक इशू बना रहता है साइकोलॉजिस्ट्स के बीच में इसको लेकर के मतभेद भी रहता है कि किसका ज़्यादा महत्व है नेचर यानी हेरिडिटी का या नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट का हमारे जो हेरिडिटी है जो हमारा जो बायोलॉजिकल जो हम बींग हैं क्या वो डिटरमाइन करता है हमारी पर्सनैलिटी को क्या उसका ज़्यादा योगदान है क्या उसकी वजह से हम जो करते हैं हम जैसे हैं वैसे हैं या फिर जो हमारा एनवायरमेंट है जो हमारी लर्निंग है, है जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे एनवायरमेंट में जो हमारा सोशल पर्सपेक्टिव है जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है या जो फैमिली है वो हमारे पर्सनैलिटी को इंडिविजुअलिटी को शेप करते हैं तो इस प्रकार का ये जो डिबेट है ये एक ऑनगोइंग डिबेट है जिसको कि आप ये कह सकते हैं या मान सकते हैं कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में ये एक बहुत ही लाइवली डिबेट है जो कि निरंतर रूप से चलता रहता है और दूसरे महत्वपूर्ण विवाद के रूप में देखा जाता है स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज यानी स्थायित्व बनाम परिवर्तन तो ये इस विवाद में जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि क्या मनुष्य या इंडिविजुअल समय के साथ ओवर द टाइम बदलता है और या फिर वो स्टेबल रहता है यानी अगर हम एक उदाहरण के तौर पर पर्सनैलिटी की ही बात करें तो क्या एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी जैसी उसकी शुरू में रहती है क्या बाद में चलकर भी वो वैसा ही रह जाता है या कुछ उसमें बदलाव होते हैं या समय के साथ हमारे अंदर किस प्रकार की स्थायित्व तो बना रहता है हमारे आ, बिहेवियर में हम क्या वैसा ही बर्ताव आजीवन करते रहते हैं या उसमें समय के साथ बदलाव आते हैं तो ये बेसिकली एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव का डिबेट है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि व्यक्ति किस हद तक वही रहता है जो वो पहले था या किस हद तक वो बदलता रहता है तो ये स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज का जो डिबेट है ये भी एक निरंतर चलने वाला एक विवाद है जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में रहता है तीसरे नंबर पे जो डिबेट है वो है रैशनैलिटी वर्सेस इ का बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है दैट ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक लॉजिकल बींग की तरह उनको देखा जाना चाहिए यानी हम जो भी करते हैं उसका एक कारण है उसका हमारे हमारे पास एक आ, कह सकते हैं हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक आधार है हमारी एक वजह है उसको करने की हम लॉजिकल बींग्स हैं हम जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं मगर ठीक उसी के दूसरे विपरीत दिशा में कई बार ऐसा पाया गया है कि मनुष्य जो करता है या इंडिविजुअल्स जो करते हैं कई बार उसका कोई रैशनल थॉट नहीं होता उसके पीछे उनका किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं होता वो कई बार ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि वो नहीं करना चाहते हैं या उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो एक डिबेट है कि क्या मनुष्य या इंडिविजुअल्स हमेशा एक लॉजिकल बींग की तरह कार्य करते हैं क्या वो बार बार हम उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो इसी दिशा में जाएंगे इसी तरह से कार्य करेंगे या फिर कहीं हद तक उनके अंदर एक ऐसा भाव भी रहता है जहाँ पर उसको हम समझ पाने में या उसको एक्सप्लेन कर पाने में कई हद तक अभी हम उस चीज़ को आ, उसमें अभी सफल नहीं हो पाए हैं तो इस तरह का जो ये डिबेट है रैशनैलिटी वर्सेज इ का ये भी एक निरंतर चलने वाला डिबेट है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण जो एक पर्सपेक्टिव है वो है द माइंड ब्रेन प्रॉब्लम और इसको इस विवाद को ड्यूलिज्म भी ड्यूलिज्म का विवाद भी इसको कहा गया है क्योंकि कई कई ऐसे मनोवैज्ञानिकों का या फिलासफर्स का ये मानना है कि जो माइंड है वो एक ऐसी एंटिटी है एक ऐसा हमारा घटक है जो कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है या ब्रेन के साथ साथ बॉडी को भी कंट्रोल करता है और माइंड के एग्जिस्टेंस को वो मानते हैं जबकि अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो जो ब्रेन है वो उसका एक फिजिकल प्रेजेंस है और ब्रेन का फिजिकल प्रेजेंस है इसलिए यानी कि फिजिक्स के टर्म्स में अगर इसको देखा जाए तो ब्रेन की एक फिजिकल प्रेजेंस है और वो एक मैटर के तौर पे हम उसको देख सकते हैं जबकि माइंड जो है उसका कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है तो ऐसे में फिजिक्स का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी एक मैटर को दूसरे मैटर को कंट्रोल करने के लिए उसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि माइंड एग्जिस्ट फिज़िकली नहीं करता जबकि ब्रेन फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो इस तरह से अगर हम इस विवाद को देखें तो माइंड जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता वो हमारे ब्रेन को जो फिज़िकली एग्जिस्ट करता है उसको कंट्रोल करने की हम बात करते हैं तो ये भी एक विवाद है जो निरंतर चलता रहता है जिसको सुलझाने का या जिसको बार बार एक्सप्लेन करने का प्रयास निरंतर मनोवैज्ञानिक करते रहते हैं इसके अलावा एक और जो अंतिम महत्वपूर्ण विवाद है या डिबेट है जो चलता रहता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में वो है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म इसके इसका जो अर्थ है वो ये है कि डिटर्मिनिज्म में हम ये मानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई कॉज है और जब कॉज है तो हम जब कारण है तो उसको हम निर्धारित भी कर पाएंगे यानी हम उसको खोज भी पाएंगे उसको स्थापित कर पाएंगे और जब हम उसको स्थापित कर पाएंगे और यही हमारे साइंटिफिक अप्रोच का या साइंटिफिक स्टडी का आधार भी है कि सिंस देयर इज़ अ कॉज चूँकि वहाँ एक कारण है तो हम उसे खोज सकते हैं तो ये डिटर्मिनिज्म है जो कि ये दर्शाता है कि हमारे जो व्यवहार हैं कहीं ना कहीं वो किसी कारण से हो रहे हैं तो इस वजह से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं या उसका वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं जबकि दूसरी ओर पे हम फ्री विल की बात करते हैं जब हम ये कहते हैं कि हर बार हमारे किए गए कार व्यवहारों का या हम जो भी कर रहे हैं प्रदर्शित कर रहे हैं सोचते हैं या जो थाट्स आ रहे हैं दिमाग में या जो हम जिस भी तरीके से जिस भी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं वो हर बार उसका एक कॉज या उसका एक कारण होना ज़रूरी नहीं है कई बार हम केवल फ्री विल के आधार पर भी कार्य करते हैं और जो कि जिसको समझ पाना या जिसका कॉज निर्धारित कर पाना बड़ा ही मुश्किल है तो इस वजह से ये डिबेट भी जो कि फ्री विल वर्सेज डिटर्मिनिज्म भी निरंतर रूप से आप कह सकते हैं कि ये बना रहता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण तो विवाद हैं जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं इसके बाद हम अपने इस पहले लेक्चर के अंतिम यहाँ पर हम पड़ाव पर आ गए हैं जिसमें कि अब हमने इतनी सारी चर्चाएं जो किं जिसमें हमने ये समझा कि मनोविज्ञान की, मनो की परिभाषा क्या है मनोविज्ञान की जो एक विषय के तौर पे जो जर्नी थी जो शुरुआती जर्नी थी फिर किस प्रकार से मनोविज्ञान में जो नए पर्सपेक्टिव्स आए जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स आए उनका क्या योगदान है और क्या दिशा है अब हम अंतिम में एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है या जो एक बात है जिसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे वो है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण लक्ष्य और मनोविज्ञान के चार महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिनको लेकर के मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसमें प्रथम है व्यवहार का विवरण यानी कि हमें सबसे पहले व्यवहार को विव... उसका विवरण करना है यानी उसको डिस्क्राइब करना है क्लियरली एक व्यवहार उसमें क्या हो रहा है उसका कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन और उसमें एक व्यवहार को जब हम किसी सपोज अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लें तो एक ऑटिस्टिक व्यक्ति के किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है और किस प्रकार के व्यवहार को हम कहेंगे किसको हम रख सकते हैं ऑटिज्म की श्रेणी में तो ये पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य है मनोविज्ञान का वो है व्यवहार को आ, का विवरण करना यानी उसको डिस्क्राइब करना दूसरा महत्वपूर्ण जो लक्ष्य मनोविज्ञान का है वो है व्यवहार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना यानी कि जो भी व्यवहार व्यक्ति कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है वट आर द कॉजेज उसकी कॉजैलिटी को निर्धारित करना ये एक दूसरा महत्वपूर्ण यानी उसको एक्सप्लेन करना हम जो भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है तो ये जैसे उदाहरण के लिए हमने ऑटिज्म का लिया तो अब यहाँ पर दूसरी जो पड़ाव है मनोविज्ञान का उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि ऑटिज्म के कारण क्या हैं क्यों ऑटिज्म प्रदर्शित हो रहा है या उसको उस तरह का व्यवहार क्यों आता है या कोई व्यक्ति क्यों करता है उसके पीछे के कारणों को जब जानने का हम प्रयास करते हैं खोजने का प्रयास करते हैं तो वो मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य हो जाता है और जो तीसरा लक्ष्य है वो है व्यवहार का पूर्वानुमान यानी कि हम कोशिश ये करते हैं प्रयास ये करते हैं कि जब हमारे पास व्यवहार का डिस्क्रिप्शन है व्यवहार की समझ है उसका एक्सप्लेनेशन है तो हम उसके बेसिस पे उसके आधार पे ये कोशिश करते हैं कि क्या हम व्यवहार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या हम उसका अनुमान लगा सकते हैं ताकि भविष्य में जब भी उस व्यक्ति को उस परिस्थिति में या उस स्थिति में वो किस प्रकार व्यवहार करेगा उसकी हमारे पास एक बेहतर समझ होगी जब हम उसको प्रडिक्ट करने की अवस्था में होंगे तभी जा कर के हम अपना जो चौथा लक्ष्य है जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो है व्यवहार का नियंत्रण यानी कि व्यवहार को हम इस प्रकार से नियंत्रित कर सकें जिससे कि हम सोसाइटी को बेटर बना सकें व्यक्ति के जीवन को बेटर बना सकें यानी हम इंडिविजुअल्स को व्यक्ति को मानव को उसके समस्याओं से उभार सकें उनके व्यवहार को नियंत्रित करने में उनकी सहायता कर सकें और यहाँ पर नियंत्रण से हमें ये अर्थ नहीं लेना है कि हमें व्यक्ति को कंट्रोल करना है या उसकी लाइफ को कंट्रोल करना है यहाँ पर कंट्रोल का मीनिंग इस बात से है कि जो समस्याएं या जो परेशानियां या इस प्रकार का कोई भी व्यवहार जिसको हम नहीं चाहते कि वो दोहराया जाए या वो हो तो ऐसे व्यवहारों को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं किस प्रकार से हम इंडिविजुअल्स की हेल्प कर सकते हैं तो मनोविज्ञान यानी बेसिकली जितना भी अभी तक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है उसकी बात यहाँ पर होती है बाय कंट्रोल ऑफ बिहेवियर तो ये चार जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं यानी कि व्यवहार का विवरण व्यवहार का स्पष्टीकरण व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्यवहार का नियंत्रण ये चारों जब हम पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो हमारा मनोविज्ञान का जो मूल मकसद है या यूं कहें हम कि हमारा इन चारों को पूर्ण करना ही मनोविज्ञान का लक्ष्य है महत्वपूर्ण तो लक्ष्य तो इसके साथ हमने आज जो समझा और सीखा वो ये था कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो क्या है मनोविज्ञान की जो यात्रा रही वो कैसी रही और उसमें शुरुआती योगदान किनका रहा आज के समय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव्स यानी परिपेक्ष कौन कौन से हैं और साथ ही साथ मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण डिबेट्स जो जिन पर निरंतर शोध चलते रहते हैं जो उसकी दिशा को निर्धारित करते हैं और अंत में हमने ये भी जाना कि मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं वो जो चार महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन और फिर उसके बाद प्रिडिक्शन एंड देन कंट्रोल ये चार जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उसकी भी हमने बात की तो आज का हम अपना ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू